नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बिहार सरकार के गृह विभाग ने बड़ा फैसला लिया है और बड़ा फैसला लेते हुए कई आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है, कई स्थानांतरित किए गए हैं, कई हेडक्वार्टर बुला लिए गए हैं। तो आपको बता दें कि ये अभी की बड़ी खबर है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया और कई अधिकारियों, खास आईपीएस अधिकारियों का तबादला इधर से उधर हुआ है। तो आपको बताते हैं कि सुधीर कुमार पोरिका जो औरंगाबाद एसपी थे, उन्हें पुलिस हेडक्वार्टर बुला लिया गया है। वहीं राकेश कुमार दुबे भोजपुर एसपी, उन्हें भी हेडक्वार्टर बुला लिया गया है। तो ये दो ऐसे एसपी हैं, सुधीर कुमार पोरिका औरंगाबाद एसपी और राकेश कुमार दुबे जो भोजपुर एसपी थे, इन दोनों का स्थानांतरण पुलिस हेडक्वार्टर में पटना बुला लिया गया है। उनका स्थानांतरण पुलिस हेडक्वार्टर पटना कर दिया गया है। वहीं और भी एसपी हैं जिनको इधर से उधर किया गया है, और भी आईपीएस अधिकारी हैं, जिनमें कांतेश कुमार मिश्रा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, जो पटना ग्रामीण एसपी यानी रूरल एसपी कांतेश कुमार मिश्रा, इनका स्थानांतरण पुलिस अधीक्षक औरंगाबाद के रूप में यानी औरंगाबाद का एसपी बनाकर कांतेश कुमार मिश्रा को भेजा गया है। वहीं विनय तिवारी जो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में काफ़ी चर्चित रहे थे, उन जो पटना सिटी एसपी थे, उनका स्थानांतरण पुलिस अधीक्षक भोजपुर यानी उनको भोजपुर का एसपी बनाया गया विनय तिवारी को, और अतिरिक्त प्रभार भी उन्हें दिया गया है समादेष्टा अश्वारोही विशेष सशस्त्र पुलिस आरा यानी अश्वारोही यानी हॉर्स राइडिंग आर्म्ड फोर्स का उन्हें कमांडेंट का अतिरिक्त प्रभार भी मिला है। साथ ही वहीं स्वर्ण प्रभात जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर पटना थे यानी सहायक पुलिस अधीक्षक विधि व्यवस्था पटना, स्वर्ण प्रभात को पुलिस अधीक्षक नगर भागलपुर यानी भागलपुर का सिटी एसपी बना दिया गया स्वर्ण प्रभात को। तो स्वर्ण प्रभात जो सहायक पुलिस अधीक्षक पटना लॉ एंड ऑर्डर थे, उन्हें पुलिस अधीक्षक नगर भागलपुर भेज दिया गया। वहीं विनीत कुमार जो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दानापुर थे, उन्हें पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पटना बना दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है कि विनीत कुमार जो एसडीपीओ दानापुर यानी अनुमंडल पुलिस अधिकारी दानापुर थे, उन्हें पुलिस अधीक्षक ग्रामीण यानी रूरल एसपी पटना बनाया गया है। वहीं अमरीश राहुल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बाढ़ यानी एसडीपीओ बाढ़ को पटना का सिटी एसपी यानी पुलिस अधीक्षक नगर बनाया गया है। तो अमरीश राहुल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बाढ़ का स्थानांतरण पुलिस अधीक्षक नगर पटना किया गया है। तो इस तरह से ये पांच ऐसे अधिकारी हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह बनाया भेजा गया है। कई एसपी एक जगह से थे तो उन्हें एसपी दूसरी जगह बनाया गया, कुछ सिटी एसपी को एसपी बना दिया गया। तो इस तरह से कई तरह की चीज़ें हुई हैं और बिहार सरकार का ये बड़ा फैसला है और गृह विभाग ने कई आईपीएस अधिकारियों को इधर से उधर किया है। इसमें कई मामले भी आ रहे हैं। वहीं कई जगह से ये भी आया है कि बालू माफिया और बालू खनन को लेकर कुछ मामला था, जिसे लेकर भी स्थानांतरण बिहार सरकार ने किया है। तो ये अभी की बड़ी खबर है। इस तरह की बड़ी खबर हम आपको दिखाते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारा वीडियो देखते रहें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। अगर आप ये खबर फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।